नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा चार का विषय गुजराती में पाठ एक शरणाई ढोलक अने रंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चालो गाइए गीतरोड़ू। बच्चों यहाँ पे गीत है वो हम पढ़ेंगे। फरो फरो ने छोकरा फुदरड़ी, जेम फरे उंदरड़ा उंदरड़ी, तेम फरो ने छोकरा फुंदरड़ी, फरे चांदो सूरज बे उंदरड़ा, पेली तारलियो सो उंदरड़ी, फरो फरो ने छोकरा फुंदरड़ी, भागो भागो उंदरड़ा उंदरड़ी। बच्चों यहाँ पे ये गीत पूरा होता है, आगे हम वार्ता पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों वार्ता है और वार्ता का अर्थ होता है कहानी, और कहानी है बांसुरी बाड़ों की, और ये कहानी है बांसुरी बजाते हुए व्यक्ति की। एक हतु गाम एमा घना उंदर, घर में उंदर, बाग में उंदर, पेटी में उंदर, कबाट में उंदर, मोटा उंदर, नाना उंदर, जाड़ा उंदर, पातड़ा उंदर, काड़ा उंदर, धोड़ा उंदर, ज्या जो त्या उंदर ज उंदर। इस कहानी में बच्चों एक गांव है और उसमें घड़ा, यहाँ पे घड़ा का अर्थ है बच्चों बहुत से, और उंदर, उंदर का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे चूहे। तो इस गांव में बहुत सारे चूहे हैं, घर में भी चूहे हैं और बाग में भी चूहे हैं, पेटी में भी चूहे हैं और कबट में भी चूहे हैं, और यहाँ पे मोटा उंदर, यहाँ पे मोटा का अर्थ है बड़ा और नाना का अर्थ है छोटा। यहाँ बड़े चूहे भी हैं और छोटे चूहे भी हैं, और यहाँ पे बच्चों जाड़ा का अर्थ है मोटा और पतला का अर्थ है पतला। यहाँ पे मोटे भी चूहे हैं और पतले भी चूहे हैं। यहाँ पे बच्चों काला का अर्थ है काला और धोड़ा का अर्थ है सफ़ेद। तो यहाँ पे काले भी चूहे हैं और सफ़ेद चूहे भी हैं, और जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे हैं। सूखे खावा ना दे, सूखे पीवा ना दे, सुखे बेसवा न दे, सुखे उंगवा न दे, सुखे चालवा न दे, सुखे फरवा न दे, आम जो तो चू चू चू, तेम जो तो चू चू चू, ज्या जो त्या चू चू चू। यहाँ पर बच्चों सभी गांव वाले बहुत ही चूहों से परेशान हो गए हैं। वो न तो सुख से खा सकते हैं, न तो सुख से पी सकते हैं, न तो सुख से बैठ सकते हैं कहीं पर, न तो सुख से सो सकते हैं, ना तो कहीं चल सकते हैं, ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर चूहे चू 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 कर रहे हैं, और जहाँ देखो वहाँ चूहों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हवे शू करूँ, हवे क्या जाऊँ, लोको बधा कंटाड़िया। यहाँ पर बच्चों सभी गांव वाले कंटाल गए हैं चूहे से। वो कह रहे हैं अब हम क्या करें और कहाँ जाए, हमें चूहों ने बहुत ही परेशान कर दिया है। एक दिवस एक वासड़ी वाड़ो आव्यो, जराक जेटली दाढ़ी वाड़ो, लांबा लांबा वाड़ वाड़ो, लाल टोपी पहरी छे, पीड़ो ढगलो पहरियो छे, लोको कहे भाई अमे तो कंटाड़िया। एक दिन एक बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति उस गांव में आता है, और जराक जेटली दाढ़ी वो दिखाओ में कैसा है बच्चों, यहाँ पे अपने चित्र में देखेंगे कि जराक जेटली दाढ़ी वाड़ो और लंबे लंबे बाल वाला, और सर के ऊपर लाल टोपी पहरी है और पीला कलर का कुर्ता पहरा है। यहाँ पे पीड़ो डगलो का मतलब है पीला कुर्ता पहरा हुआ है, और गांव वाले सभी लोग कहते हैं कि हम चूहों से बहुत ही कंटाल गए हैं। आ उंदरो थी हारी गया, उंदरो सगड़ा काढ़ो तमें, हजार रुपया दइए अमें। यहाँ पर सभी गांव वाले उस बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि ये सारे चूहों को आप गांव से बाहर निकाल दो, हम हजार रुपया आपको देंगे। वासड़ी वाड़ो रस्ता वच्चे उभो रह्यो, ने वासड़ी वगाड़वा लाग्यो, पछी तो पूछूज सू। जब गाँव वालों ने कहा कि सारे चूहों को आप गांव से बाहर निकाल दो,
और 1000 रुपया हम देंगे। तब बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति रास्ते के बीच में वो खड़ा होकर बांसुरी बजाने लगता है। जब बांसुरी बजने लगती है तो सारे गांव में जितने भी चूहे थे वो सब दौड़कर बाहर आने लगते हैं। दौड़ता दौड़ता अंदरों आवा लग गया। कोई नाचता आव्या, कोई कूदता आव्या, कोई दौड़ता आव्या, कोई घसता आव्या, चारे कोर उंदर उंदर, चारे कोर चू चू चू। यहाँ पे बच्चों कुछ चूहे नाचते हुए आते हैं तो कुछ चूहे दौड़ते हुए आते हैं, और कुछ चूहे कूदते हुए आते हैं तो कुछ चूहे घसते हुए आते हैं, और चारों कोने में देखो तो चूहे ही चूहे नज़र आ रहे हैं। चारों बगल चूहों की चू 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 सुनाई दे रही है। बांसुरी वालो आगर चाले, अंदर बधा पाछड़ दौड़े। और बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति जो ये है वो आगे आगे जा रहा है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। इतला माँ नदी आवी, बांसुरी वालो नदी माँ उतरियो ने आगर चालियो। उंदर पण नदी माँ उतरिया, बांसुरी वालो नदी ओगड़ी गयो। बधा उंदर बधा पानी में डूबी गया। लोको बधा राजी थाया। यहाँ पर बच्चों जब बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ रहा है और थोड़ी दूरी पर जाकर एक नदी आती है तो बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति उस नदी में उतर जाता है और आगे निकल जाता है, और साथ में चूहे भी उसके पीछे नदी में जाते हैं। बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति नदी ओगड़ी गयो, इसका मतलब है बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति नदी पार कर जाता है और चूहे सारे नदी में डूब जाते हैं, चूहे सारे पानी में डूब जाते हैं, और गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। बांसुरी वालो गाम माँ पाछो आव्यो, ते बोल्यो लाओ भाई 1000 रुपया। लोको कहे केवा रुपया ने केवी बात, जा छानो मानो चालियो जा। उंदर मारवाना ते 1000 रुपया होए। जब सारे चूहे पानी में डूब जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति फिर से वो गांव में वापस आता है और गांव वालों को कहता है कि लाओ भाई मुझे 1000 रुपया दे दो। तब गांव वाले व्यक्ति कहते हैं रुपया केवा ने बात केवी, वो गांव वाले लोग क्या कहते हैं कि कैसे पैसे और कैसी बात, जा छानो मानो चलो जा, यहाँ से तू चुपचाप चला जा। उंदर मारवाना ते 1000 रुपया होए, कई चूहे मारने के लिए 1000 रुपया होते हैं, ऐसे गांव वाले सभी कहते हैं। वासड़ी वाड़ो काई बोलियो नहीं, वासड़ी लई तेणे वगाड़वा मांडी। वासड़ी वागी पछी पूछूज सू। जब बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति को वो लोग बोलते हैं कि कैसे पैसे और कैसे बात, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, तो बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपनी बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी बजती है तब पूछना है क्या, एक छोकरू बाहर आवे, बीजू छोकरू बाहर आवे, त्रीजू छोकरू बाहर आवे, बधा छोकरा बाहर आव्या। जब बांसुरी बजने लगती है तब एक छोकरा बाहर आता है और दूसरा लड़का बाहर आता है, उसके पीछे तीसरा लड़का बाहर आता है और गांव के सभी बच्चे बाहर आते हैं। घर माँ थी आव्या, बाहर थी आव्या, नाना आव्या, मोटा आव्या, झाड़ा आव्या, पातड़ा आव्या, काड़ा आव्या, गोरा आव्या, और गांव में से सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और छोटे बच्चे भी आ जाते हैं और बड़े बच्चे भी आ जाते हैं, और जाड़े बच्चे यानी कि मोटे बच्चे भी आ जाते हैं और पतले बच्चे भी आ जाते हैं, और काड़ा काड़ा का अर्थ है काले बच्चे और गोरे बच्चे भी आ जाते हैं। आम जो तो छोकरा, तेम जो तो छोकरा, और चारों बगल अपने देखो तो बच्चे ही बच्चे दिखाई देते हैं। कोई नाचतू आव्यो, कोई कूदतू आव्यो, कोई दौड़तू आव्यो, कोई घुसतू आव्यो, चारे कोर छोकरा छोकरा, चारे कोर हो
हो, और कुछ बच्चे नाचते हुए आ रहे हैं तो कुछ बच्चे कूदते हुए आ रहे हैं, और कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं तो कुछ बच्चे घसते हुए हैं। चारों तरफ देखो तो बच्चे ही बच्चे नज़र आते हैं और चारों तरफ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। अरे उभा रहो उभा रहो, कौन छोकरा साना उभा रहे, ए तो चालिया नदी तरफ, लोको बधा घबराया, रखे ने छोकरा पानी मां डूबी जाए, दौड़ी ने ते नदीए आव्या, ले भाई वासड़ी वाला ले तारा 1000 रुपया, ने जा हवे तू बीजे गाम। वासड़ी वालों 1000 रुपया लई चालतो थयो। यहाँ पे सभी गांव वाले आवाज़ लगाते हैं कि अरे उभा रहो उभा रहो, और अपने अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हैं कि खड़े रहो खड़े रहो। कौन छोकरा साना सांभड़वाना, बच्चे तो कुछ भी सुनते नहीं हैं और वो बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चले जाते हैं। ये तो चालिया नदी तरफ, और सारे बच्चे नदी की तरफ जाते हैं। लोको बधा घबराया, रखे ने छोकरा पानी में डूबी जाए, क्योंकि सारे चूहे पानी में डूब गए थे, ऐसे ही ये बच्चे भी पानी में न डूब जाए, और सभी गांव वाले घबराने लगते हैं और दौड़कर नदी की तरफ आ जाते हैं। ले भाई बांसुरी वाला ले तारा 1000 रुपया, और बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि ले भाई तारा 1000 रुपया, हवे तू आ गाम में नहीं बीजे गाम में जतो रे। बांसुरी वालों 1000 रुपया लई चालतो थयो, और बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति अपने 1000 रुपया लेकर वो उस गांव से दूसरे गांव चला जाता है। बच्चों यहां पर ये पार्ट पूरा होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।